है गाइस, वेलकम बैक टू डिजिटल गुरुकुल। और चलिए डिस्कस करते हैं आज के आंसर राइटिंग। देखिए, पहले कल के आंसर देख यानी आंसर देख लेते हैं जो आपको कल लिख के भेजने। ये पेपर टू से क्वेश्चन है, डिस्कस द इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR इसको बोलते हैं। तो ये बताना है आपको, 2% जो है कंपनी जो है इन्वेस्ट करती है कोई भी सोशल सर्विस वगैरह में, तो ये आपको बताना है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की इफेक्टिवनेस बतानी है। रिलेटेड अमेंडमेंट मेड इन द कंपनी एक्ट, तो कंपनी एक्ट में क्या चेंजेस किए गए हैं। एनालाइज द एंड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द सेम, ठीक है। तो CSR के बारे में बताना, ये प्रीलिम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा नहीं गया वैसे, पूछा जा सकता है, ठीक है। और या क्या क्राइटेरिया है CSR का, इस तरह पूछा जा सकता है, कौन कौन सी सर्विसेज जो है इसके अंदर दी जा सकती है। तो वो प्री में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा। क्वेश्चन नंबर टू आपको लिखना है, डिस्पाइट द माइक्रो क्रेडिट सिस्टम दैट हैज ए ग्रेट स्कोप इन एलिवेटिंग सोशल सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एग्जिस्टिंग सिस्टम रिस्ट्रक्चरिंग इन सेवरल एरिया टू अलाउ ए लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट, इस पर कॉमेंट करना आपको, ठीक है। कि माइक्रो क्रेडिट सिस्टम क्या है, कैसे जो है इससे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है, तो वो सब चीज़ें जो है पॉवर्टी वगैरह कम की जा सकती है, वो सब इसके बारे में लिखना है आपको। चलिए, किसने आंसर भेजा है इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सेल्फ डाउट कैन क्रिएट कैन हेल्प एंड हिंडर लीडरशिप, डिस्कस विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। यानी कि जब अगर खुद में इंसान में सेल्फ डाउट हो तो ये कहीं ना कहीं हेल्प भी करता है और आपको लीडरशिप जो है आपकी लीडरशिप स्किल्स में कहीं ना कहीं रुकावट भी डालता है। इसको डिस्कस करना है सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ, देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। ये लिखता है, सेल्फ डाउट कैन बी अंडरस्टूड एज ए फिनोमिना ऑफ हैविंग लेस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन डिसीजन मेकिंग और एक्शन टेकन, ठीक है। यानी कि ये कहते हैं कि इसमें जो है कोई भी डिसीजन लेने में जो कॉन्फिडेंस की कमी हो, ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं हम कि सेल्फ डाउट जो है जब क्रिएट होता है तो ऐसा होता है। इज ये हेल्प कैसे करता है लीडरशिप में, ये कहता है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, सिंस इट अलाउज टू रीथिंक द आइडिया इट मे रिजल्ट इन टू इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ये कह रहे हैं कि देखिए, इससे एक फायदा ये होता है कि दोबारा इंसान सोचेगा, डाउट रहेगा तो उससे जो है इफेक्टिवनेस आएगी। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, सेल्फ डाउट में इन्वॉल्व अदर, ये कह रहे हैं कि अगर सेल्फ डाउट रहेगा तो आप और लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, उनके भी जो है आइडियाज लेंगे, रिड्यूस चांसेज ऑफ एरर के चांसेस कम हो जाएंगे, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, क्योंकि बार बार तीन बार चार बार सोचेंगे तो आप जो है कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस की तरफ बढ़ेंगे, टीम स्पिरिट भी इससे बढ़ेगी। लेकिन ये कह रहे हैं कैसे लीडरशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये कहते हैं डीमोटिवेट स्टाफ, स्टाफ को डीमोटिवेट करेगा। आप खुद ही जो है डाउटफुल रहेंगे तो आपके जो है जूनियर स्टाफ, सबॉर्डिनेट स्टाफ को लगेगा कि ये तो खुद ही डाउटफुल है, तो कहीं ना कहीं आप जो है स्टाफ का जो है मोटिवेशन कम होगा। डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग डिले होगा क्योंकि बार बार आप सोच रहे हैं, आप एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब एग्जाम्पल यहां पे देते हैं, बींग इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट, इफ आई रेज सेल्फ डाउट इन अपॉइंटिंग स्टाफ इट मे डिले इन द ऑपरेशन, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया, एडवर्स इंपैक्ट ऑन गुडविल, ये कहते हैं लीडरशिप नीड टू बी कॉन्फिडेंट अदरवाइज इट रेजिज द क्वेश्चन ऑन द गुडविल, ठीक है। गुडविल भी कहीं ना कहीं से इफेक्ट पड़ेगी, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस अफेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उस पर भी इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ये कहता है, वे फॉरवर्ड एंड नथिंग इज प्योरली ब्लैक एंड व्हाइट, देर आर अदर कलर्स इन बिटवीन। सिमिलरली सेल्फ डाउट इज नॉट ऑलवेज बी बैड और इवन ऑलवेज गुड, देर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन दैम, यानी कि एक बैलेंस होना चाहिए। वे लीडर कैन टेक इफेक्टिव डिसीजन अलॉन्ग विद एफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, मोटिवेशन। ये जब जो है ना, ये इफेक्टिवनेस, एफिशियंसी, ये सारे आपके की वर्ड्स हैं, इनको याद कर लीजिए। ऑफ स्टाफ एंड सबॉर्डिनेट, इन केस ऑफ सेल्फ डाउट, लेजिस्लेशन, कंसाइंस, एथिकल वैल्यूज कैन बी टेकन इन टू अकाउंट बाय द लीडर्स फॉर मेकिंग इफेक्टिव डिसीजन। तो बहुत बढ़िया इन्होंने कंक्लूजन लिखा है और बहुत इजी तरीके से लिखा है, बस आपने एक कमी की कि एग्जांपल्स, इन्होंने कहा कि एग्जांपल्स के साथ बताइए। देखिए, अगर आप कुछ एग्जांपल डाल देते रियल सिचुएशन के, ठीक है, जो आज हमारे देश में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, तो वो शायद और इम्पैक्ट करता। तो आप इसमें सोचिए, डिले इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, तो ये इससे कैसे प्रॉब्लम आती है। आप यहाँ पर लैंड एक्विजिशन एक्ट के बारे में थोड़ा सा डाल सकते थे कि देखिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट को जो है प्रॉपर फॉलो नहीं किया जाता, काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम, सेल्फ डाउट नहीं है बट कहीं ना कहीं वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। यानी कि इस तरह का कुछ, मैं नहीं कह रहा हूं सिर्फ यही एग्जांपल, किसी तरह कोई एग्जांपल सोचिए और एग्जांपल को डालने की कोशिश करेंगे तो उससे और ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। जैसे यहां पे डाला, रेजिंग परफॉर्मेंस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ लीडरशिप एंड एक्यूमेन ऑफ मुकेश अंबानी, तो ये कह रहे हैं कि इस तरह की परफॉर्म, ये ठीक है, इस तरह के एग्जांपल आप डालेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, क्योंकि क्वेश्चन यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नर इन केस ऑफ हंग असेंबली, ठीक है। गवर्नर को रोल बताना है, 100 वर्ड का ही है। ये लिखते हैं, हंग असेंबली इज ए सिचुएशन इन विच नो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी और प्री एग्जिस्टिंग
कोएलिशन हैज एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन लेजिस्लेटर इन पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर, यानी कि जब किसी की जो है प्रॉपर सरकार नहीं बन सकती, उनके पास उतने नंबर नहीं है, एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है, तो उसको बोलते हैं इन सच ए सिचुएशन एज पर द ऑर्डर ऑफ द प्रीफरेंस सेट आउट इन सरकारिया कमीशन रिकमेंडेशन विच हैव ऑल्सो बिन रेक्टिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर कैन। अब गवर्नर क्या करता है, ए प्री पोल अलायंस ऑफ पार्टीज ये इनको बुलाता है, या तो फिर यह कहते हैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाता है, या फिर पोस्ट पोल अलायंस कोई बनता है तो उनको बुलाता है। इसके बाद लिखते हैं पोस्ट पोल अलायंस ऑफ पार्टी विद सम बिकमिंग पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड सपोर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो इस तरह का मौका देता है। लेकिन आप देखिए इसमें थोड़ा सा दो लाइन का कंक्लूजन लिख देंगे ना कि कैसे हंग असेंबली जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है काफी बार, अभी रिसेंट एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह दो लाइन का कंक्लूजन जरूर लिखिए हमेशा। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल एएमआर के बारे में है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। ये कहते हैं इस यहाँ क्या लिखा है पता नहीं, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंज इन द वर्ल्ड फेसिस टूडे, यानी कि ये जो है कंडीशन यहाँ लिखना चाह रहे होंगे, तो एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्या लिखते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज ए रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय एनी माइक्रोब टुवार्ड्स द पर्टिकुलर एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन, टीबी बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंस टुवार्ड द लाइन ऑफ ड्रग, रीजन फॉर दिस रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी कि डॉक्टर्स की कम प्रिस्क्राइब रॉन्ग एंटीबायोटिक्स, ये कल भी हमने डिस्कस किया था और बहुत कुछ ऐसा ही आंसर उन्होंने भी लिखा था। सेम टाइम पेशेंट टेक मेडिसिन जो है वो खुद से ही ले लेते हैं विदाउट डॉक्टर एडवाइस, नॉट इवन कंप्लीट कोर्स ऑफ मेडिसिन, फिक्स डोज कम्बिनेशन ड्रग्स आ गए वो भी जो है एएमआर को जो है कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं। ये देखिए एएमआर लास्ट टाइम प्रीलिम में आया है 2000, यानी कि इसी साल। इसके अलावा बोलते हैं नॉट क्लियर राइटिंग ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर जो है क्लियर नहीं लिखते, इस बार काफी बार मिसअंडरस्टूड हो जाता है, या एंटीबायोटिक प्रोवाइडेड टू पोल्ट्री, ये देखिए आज के न्यूज़पेपर में भी ये चीज आई, कल के में शायद, ठीक है, एक मेडिसिन का नाम बताया हुआ है आज के में आया, मुझे ध्यान नहीं है कि उससे भी जो है पोल्ट्री को जो है, सॉरी ये इसमें नहीं आया, अब याद आया जुलाई का करंट अफेयर के अंदर है ये विजन के, ठीक है, एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा आपको कि वो जो एंटीबायोटिक यूज करने से पोल्ट्री के अंदर भी जो है इससे भी जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है क्रिएट हो रहा है। इसके बाद बोलते हैं गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल स्टेप्स, गवर्नमेंट ने क्या लिया, रेगुलेशन ऑन मेडिकल शॉप्स, ठीक है, रेगुलेट करने की कोशिश की, डॉक्टर एसोसिएशन अलोंग विद द गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्योर्ड आउट टू राइट नीट एंड, अच्छा ये भी कहा है कि नीट एंड क्लीन लिखे ताकि पेशेंट जो अंडरस्टैंड कर सके, बैन ऑफ मिक्स जो ये भी बैन ऑन, ऐसा तो नहीं है, बैन ऑन मैनी, अच्छा काफी जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बैन किया ये ठीक है, डिस्पाइट दिस इफेक्ट एएमआर इज कंटिन्यू टू राइज एंड डिक्रीज बाय द टेकिंग फॉर, और ये देखिए 2014 के मेंस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, एंटीबायोटिक से रिगार्डिंग, सुपर बग से रिगार्डिंग, तो हो सकता है रिपीट हो जाए क्योंकि 2014 में आ चुका है, तो अब रिपीट भी हो सकती चीजें। कंप्लीट बैन ऑन, ये कंप्लीट बैन तो करने की जरूरत नहीं, देखिए कंप्लीट बैन नहीं कर सकते, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के भी बेनिफिट है, ये भी मेंस के अंदर आ चुका है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, ठीक है, एफडीसी, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द प्रॉपर यूज ऑफ, हाँ ये कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग, ठीक है, डॉक्टर्स को जो है प्रॉपर ट्रेनिंग दिए जाए, एनकरेजिंग पीपल टू विजिट ओनली लेजिटिमेट डॉक्टर्स, ठीक है ये भी कर सकते हैं। ये कहते हैं एएमआर विल, ये कह रहे हैं ये एक तरह से हिंड्रेंस क्रिएट कर सकती है एएमआर जो है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है जो एक हेल्दी जो है केयर प्रोवाइड कराए सबको, लेकिन ये इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो इस पे जो है रिसर्च और अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। चलिए ठीक ही लिखा आंसर, यानी कि थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों कमी है, प्रॉपर जो गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन आप लिखेंगे ना, दो तीन जो चीज़ें प्रॉपर स्टेप्स ली हैं गवर्नमेंट ने, अब सपोज करो आपने लिख लिया लेकिन आपको पता नहीं कौन कौन स्टेप्स लिए, तो वो आप नेट से सर्च करके लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस द इंटरनेट एज ए यूनिवर्सल बेसिस राइट शुड बी प्रमोटेड बाय द स्टेट्स एंड नॉट बाय द प्राइवेट पार्टी जस्टिफाई द आर्ग्यूमेंट, ठीक है, यानी कि जो इंटरनेट होता है यूनिवर्सल बेसिक एक राइट होना चाहिए जो है भी, ये प्रमोट किसको करना चाहिए, स्टेट को, यानी कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, ना कि किसी प्राइवेट पार्टीज को, ये जस्टिफाई करना आपको। यहाँ लिखता है राइट टू इंटरनेट इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ऐसा तो नहीं है, पहली लाइन मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है आपकी, राइट टू इंटरनेट यानी कि इंटरनेट का अधिकार एक फंडामेंटल राइट तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, ये चीज सर्च कर लीजिए प्लीज आप, अंडर आर्टिकल 22, देखिए इतना अगर गलती होगी, मेरे हिसाब से नहीं है, आप सर्च कर लीजिए, अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, फिर मैं भी सर्च कर लूंगा, ये मुझे मैंने नहीं पढ़ा कि राइट टू इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है,
विच प्रोवाइड पीपल टू एक्सेस द फ्री स्पीच एंड ऑल्सो प्रोवाइड हेल्प इन नैरो गैप द इनइक्वालिटी प्रेजेंट इन द सोसाइटी। ये कहते हैं इट इज़ ए स्टेट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफ गार्ड फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, सो स्टेट शुड प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस बिकॉज, अब इससे फ़ायदा क्या होगा ये बताते हैं, गवर्नमेंट वर्क विद वेलफेयर मोटिव सो दैट दे कैन हेल्प इन मिटिगेटिंग हाई डिजिटल गैप, जो है डिजिटल गैप कम होगा। ये इसके बाद लिखते हैं रूरल अर्बन गैप जो कम होगा, रीजनल लेवल पे के फोन प्रोजेक्ट के बारे में लिखा, गवर्नमेंट कैन एबल टू एंश्योर इंटरनेट एक्सेस टू एवरीवन विदाउट डिस्क्रिपेंसी एट द इकोनॉमिक एंड कास्ट लेवल पे, ठीक है। इफ एवरी इंडिविजुअल हैव एक्सेस टू इंटरनेट द, ये कह रहे हैं दिस इन टर्न्स हेल्प द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द, अच्छा गवर्नमेंट का जो मोटो है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसमें फ़ायदा होगा, हेल्प टू कनेक्ट पीपल विद द ईच अदर, ठीक है, वो हेल्प उसमें भी हेल्प करेगा। और ये कहते हैं कि इससे और क्या होगा, ब्रदरहुड सोसाइटी में ये सब बढ़ेगा, हारमोनी बढ़ेगी, ठीक है, ये तो जरूरत नहीं थी इतना लिखने की। चलिए नेक्स्ट कहते हैं प्राइवेट कंपनी जो है शुड नॉट प्रमोट बिकॉज दे वर्क विद प्रॉफिट मोटिव, इनका प्रॉफिट मोटिव होता है, ठीक है, डिजिटल डिवाइड को कम करना है, ऐसे इनका कोई ऐसा एम नहीं होता, इससे डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है, इंटरनेट सर्विसेज में। जैसे जैसे फेसबुक शुरू करने वाला था, ठीक है, बेसिक फेसबुक, ये कह रहे एम टू प्रोवाइड फ्री और फ्री वेबसाइट एंड चार्ज ऑन विच कैन बी अगेंस्ट द इथोजो, तो इंटरनेट के अगेंस्ट था और गवर्नमेंट ने मना भी कर दिया था, ठीक है। इट कैन हैम्पर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट न्यूट्रलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये कहते हैं डिस्पाइट दिस इनहेरेंट प्रॉब्लम बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कैन वर्क इन वर्क हैंड इन हैंड सो दैट द बेटर अफोर्डेबल इंटरनेट फैसिलिटी कैन बी अचीव टू एवरी वन एज प्रेजेंटली हैपनिंग इन इंडिया वेयर मोबाइल इंटरनेट प्रोवाइड हेल्प द प्रोवाइड दिस ग्रेटर पेनिट्रेशन, ठीक है। और ठीक है, कुछ आपका एक्सेस ऑफ इंटरनेट यूनिवर्सल राइट, यूनिवर्सल बेसिक राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं है, एक बार फिर चेक कर लीजिए, शुड बी प्रमोटेड बाय द स्टेट, ठीक है। ठीक है, कुछ और आप इसके बेनिफिट्स भी लिखेंगे ना, क्या बेनिफिट्स होंगे, बेनिफिट्स क्या होंगे, ठीक है, और थोड़े हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए बहुत बेनिफिट है इंटरनेट के, तो कम से कम 10 बेनिफिट, एक सर्कल करके सिर्फ बेनिफिट बेनिफिट लिख सकते हैं आप, तो उससे और थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, इसमें तो आप इनोवेट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द मेन प्रोविजन ऑफ द कोड ऑन द वेज बिल, कोड ऑन वेज बिल के बारे में कह रहे हैं, डू यू थिंक द डिक्लेयरिंग मिनिमम वेज थ्रू लेजिस्लेशन अल्टीमेटली ये एक तरह से जो है इससे जो है जॉब्स जाएंगी, ठीक है, ये सब इसके बारे में लिखना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है, 250 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ये क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं द रिसेंटली इनेक्टेड द कोड ऑन वेज बिल एम्स टू ट्रांसफॉर्म ओल्ड एंड ऑब्सोलेट लेबर लॉज इन टू मोर अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट। ये कह रहे हैं कि वंस बाय प्रिस्क्राइबिंग द यूनिफॉर्म मिनिमम वेजेस, ठीक है, ये कहते हैं कि 178 रुपीज की बात हुई टू द एम्प्लॉय इरिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्टर एंड देयर दस अडेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 43 एंड 39, ठीक है, तो जो DPSP में दिया हुआ उसको गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। की प्रोविजंस क्या है इससे, देखिए कुछ लॉज हैं जो अमलगेमेट हो रहे हैं, कौन सा, पेमेंट ऑन वेजेस बिल, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑन बोनस एक्ट, इक्वल रिमुनरेशन एक्ट, ठीक है, चारों मर्ज हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ मिनिमम वेजेस, ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ऑफ मेथडोलॉजी, ग्रेडेड पेनल्टी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर इसको प्रॉपर जो है करते नहीं तो उसको जो है उसमें प्रोविजन भी रखा गया है। प्रोहिबिट्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इसको भी प्रोहिबिट करने की कही है। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड भी जो बनाने की बात कही है सेंटर और स्टेट लेवल पे। रिविजन ऑफ मिनिमम वेजेस रेट ऑन द टाइमली मैनर एंड नॉट लेटर देन 5 ईयर, ठीक है। ये कहते हैं कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स, ये भी चीज़ होगी। ये कहते हैं डिक्लेयरिंग ए नेशनल मिनिमम वेज एंड डूइंग अवे विद द ओल्ड एंड ऑब्सोलेट लेबर लॉ इज डेफिनेटली ए वेलकमिंग स्टेप्स, स्पेशली वेन द इंडिया इज एमिंग फॉर द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है। ये तो बात ठीक है कि इंडिया को ये करना पड़ेगा, हमारे लेबर लॉज कॉम्प्लेक्स है, तो उनको जो पुराने ऑब्सोलेट हो गए हैं, ओल्ड एंड ऑब्सोलेट, उनको खत्म करने की जरूरत है। दस द रिफॉर्म्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड लॉज कुड हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग ए रोबस्ट फॉर्मल सेक्टर एंड दस एनहेंसिंग द ईज ऑफ लिविंग, तो ये फायदा भी होगा। हाउएवर दिस कोड इज सर्टेन चैलेंजेस, मैं यही सोच रहा था इन्होंने चैलेंजेस क्यों नहीं लिखे, तो यहाँ पे लिख दिए इन्होंने द प्रिस्क्राइब 178, ये जो है काफ़ी कम है, जो एक तरह से हाई पावर्ड कमेटी ने रिकमेंड किया है। थ्रेट टू हरासमेंट फॉर द लेबर ऑफिशियल, ठीक है, वो भी चीज़ होगी, कंप्लाइंस नहीं करेंगे तो उसे ऑफिशियल जो है कंपनी को हरास कर सकते हैं। डिफरेंट फ्लोर वेजेस फॉर डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया कुड पॉसिबली टेक अवे द जॉब, इससे काफ़ी जॉब्स भी जाएंगी, ज्योग्राफिकल एरिया से जो डिफाइन करेंगे ये। ये कह रहे हैं स्लेवरी लाइक प्रोविजन्स रिकवरी ऑफ एडवांसेज, ये क्या लिख रहा है, स्लेवरी लाइक प्रोविजन्स रिकवरी एंड एडवांसेज, तो ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना था
क्या लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नो प्रोविजन टू प्रोहिबिट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट, चैलेंजेस लिख रहे हैं। नो प्रोविजन, अच्छा ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बनाया, ये कहते हैं कि इससे जो है वीमेन्स के अगेंस्ट अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको रोका जाए, ठीक है। तो ये भी ठीक है, स्लेवरी लाइक प्रोविजन्स, रिकवरी ऑफ एडवांसेस एक्सेट्रा, ये सब भी, ये मुझे समझ नहीं आया आपका पॉइंट। नेक्स्ट कहते हैं वे फॉरवर्ड द डिबेट ऑफ मिनिमम वेजेस दैट ओरिजिनेट 80 ईयर एगो इन द यूएस इज नन कैन बी सीन टेकिंग फॉर्म एंड शेप इन द इंडिया टू, हाउएवर ड्यू टू इम्पोर्टेंस नीड टू बी गिवन टू द गेट द कोड इम्प्लीमेंटेड ऑन द प्रॉपर एंड फेयर मैनर इन ऑर्डर टू रीप द बेनिफिट, रीप इट्स बेनिफिट। देखिए इसमें आपने क्या किया है, इसमें और भी, अब ये तो आपने की प्रोविजन्स बता दिए, एग्जामिन द मेन प्रोविजन आपने बता दिए। डू यू थिंक डिक्लेयरिंग मिनिमम, तो इससे क्या जॉब्स जाएंगी या जॉब्स को जो है प्रॉब्लम होंगी, तो उस पर थोड़ा फोकस करना था। और साथ में जो है एक चीज़ आप और कर सकते थे कि इससे बेनिफिट भी क्या होगा, कंपनीज को बेनिफिट क्या होगा इस वे जो है आने से, ठीक है। तो आप वो बेनिफिट भी तीन चार हाईलाइट कर सकते थे, बेनिफिट टू ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर वेज बिल, तो ऐसे करके चार पांच पॉइंट बता देते ना तो आपका थोड़ा और एड ऑन हो जाती चीज़ें, ठीक है। बताई है लेकिन आपने उतना अच्छे से नहीं, मतलब और उस चीज़ को भी एक नया एंगल भी आप सोच सकते थे, और वो आपको अगर नहीं पता है तो राज्यसभा की डिबेट सुनिए आप, वहाँ से आपको पता चलेगा किस किस तरह के बेनिफिट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू एग्री विद द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, यूपा, जिसके बारे में जो मैंने आज हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में उन्होंने पूछा है। तो कैसे फंडामेंटल राइट्स जो या फिर जो लिबर्टी उसको सेक्रीफाइस कर सकता है, ये लिखते यूपा, मैं आपको समझाऊंगा आपको ये है क्या। ये कहते हैं 1967 का एक्ट था, उसको जो है अमेंड किया गया है, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी पावर मिली है कि एक इंसान, एक इंडिविजुअल को भी जो है अब टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। देखिए पहले ऐसा नहीं था, इंडिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट घोषित किया जा सकता था कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन किसी इंडिविजुअल को नहीं कर सकते थे, हमारे लॉ में ही नहीं था, लेकिन अभी उसको अमेंड कर दिया गया है। ये यहाँ पे क्या लिखते हैं कि ये कैटेस्ट्रोफिक कैसे है फंडामेंटल राइट्स को। देखिए आपने इसमें क्या, मुझे ऐसा लग रहा है आप ये सब चीज़ें बता दी कि जो हमारे आर्बिट्री होगा, पावर को यूज किया जा सकता है, हमारे ये टेररिज्म के चक्कर में जो है किसी के, कोई अगर अपने फ्री फ्रीडम ऑफ स्पीच या उसको भी वायलेट कर सकता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपने प्रॉपर डिफाइन की है, ठीक है, थ्रू। अब लेकिन इसमें पर्सनल लिबर्टी को आपने बता दिया, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बता दिया, बिल्कुल ठीक है आपने कवर कर दिया, लेकिन आपने थोड़ी सी चीज़ एक और क्या कवर करनी थी, वैसे ठीक है इसमें कोई कमी नहीं है, बट एक आप एक पैराग्राफ या तीन चार लाइनें आप प्रोविजंस बता देते तो उसे टीचर को इम्पैक्ट पड़ता, या फिर आप क्या करते, ये जैसे आपने यहाँ पे ये बताया है कि ये कैसे जो है उसको कर सकते हो, तो यहाँ पे वो एक प्रोविजन का नाम लिख देते, इस प्रोविजन से ये ऐसा कर सकते, जैसे इंस्पेक्टर्स को राइट दे दिया गया, अब इंस्पेक्टर भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, या फिर विदाउट ट्रायल भी आपको जो है, यानी विदाउट आपकी कुछ बेल वगैरह भी ग्रांट नहीं हो सकती, बहुत से ऐसे प्रोविजन्स आए हैं इसके अंदर। तो ये ऐसे एग्जांपल यहाँ पे प्रोविजन के दे देते तो भी आपकी चीज़ जस्टिफाई हो जाती, ठीक है। तो ऐसे जस्टिफाई करते तो शायद आपको एक एक डेढ़ मार्क्स और ऊपर मिल जाता। इस क्वेश्चन में देखिए आपने कुछ ऐसा नहीं छोड़ा है, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे 10 में से आराम से, लेकिन आपको 1 मार्क्स 6 मिल जाता अगर यहाँ पे आप एग्जाम्पल करके कि ये प्रोविजन नया ऐड किया इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये किया इससे ये प्रॉब्लम, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इम्प्रूव हो जाता आपका। नेक्स्ट क्या कहते हैं, अच्छा आपने कुछ आगे भी लिखा है क्या, वाइल द प्रीवियस वर्जन ऑफ द लॉ यूज बैन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड अच्छा उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है वे फॉरवर्ड भी आपने बता दिया, कंट्रीज लाइक यूएस, पाकिस्तान, इवन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज ये एक इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित कर सकती है ऑन द अकाउंट ऑफ हमारा ये जो एक्ट है अनलॉफुल एक्टिविटीज, हाउएवर द गवर्नमेंट इज यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल ऑफ इंडिया नीड्स टू फेयर इज द पार्ट एंड लाइन लाइन शुड बी ड्रॉन बिटवीन द एक्सप्रेसिंग द डिसेंट। हाँ ये बिल्कुल कंक्लूजन बहुत अच्छा लिखा है, सब चीज़ें आपने अच्छी लिखी है, सिर्फ अगर वो प्रोविजन्स को, दो तीन प्रोविजन्स जो मेन ऐड हुए हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल को करा है तो यहाँ पे ठीक है, आप जैसे आपने यहाँ पे लिखा किसी इंडिविजुअल को पकड़ सकते हैं तो ये आप यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है। तो ये प्रोविजन ऐड हुआ है तो इससे ये चीज़ हो सकती है, तो ये थोड़ा सा कर लेते तो मेरे हिसाब से और अच्छा आपका आंसर बन जाता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन मैंने कल दिया था, क्लीन और कुकिंग फ्यूल जो है या कुक स्टोव्स जो रूरल इंडिया में आ गए हैं ग्रामीण भारत में, इसमें अंदर बिहेवियरल एटीट्यूडनल चेंज करने की जरूरत है,
साथ, ताकि जो है क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जा सके। और क्लीन एनर्जी को सिर्फ जो है पॉलिसी से प्रमोट नहीं किया जा सकता है, बाद में आपको उज्ज्वला स्कीम का कंपैरिजन करके उसकी सक्सेस भी बतानी थी, ठीक है। तो ये सब मैंने बता ही दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये कहते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो योजना है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस ने स्टार्ट की, ठीक है, कनेक्शन टू विमेन, विमेन को कनेक्शन दिया गया जो बीपीएल लाइन में हाउस होल्ड में है। 24 करोड़, आज भी कह रहे हैं कि ऐसे 24 करोड़ हाउस होल्ड में आज भी ऐसे जो है हाउस होल्ड थे काफ़ी जो है डिप्राउड थे, लेकिन आज जो है बहुत लोगों को इसका बेनिफिट मिल गया है। अचीवमेंट की बात करें तो देखिए कवरेज जो है 56% था 2015 में, स्कीम लाने के बाद 90% कवरेज हो गया। बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिली इससे, बहुत लोगों की मेक इन इंडिया का कैंपेन भी आगे बढ़ा, क्योंकि सिलेंडर और बढ़ेंगे, गैस स्टोव बढ़ेंगे, रेगुलेटर, सारी चीज़ें बनेंगी, लोगों को जॉब भी मिलेगी, जॉब मिलेगी तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी। पहले जो टीबी के जो इंसिडेंट्स थे वो भी कम हुए हैं, ठीक है। लोग, औरतों का टाइम बचता है अगर वो एलपीजी सिलेंडर यूज़ करती है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे चीज़ें जो पॉजिटिव जो एक तरह से डेवलपमेंट है वो भी कर, उसमें भी भागीदारी दे सकती है। उसके बाद जो है इंडोर जो पोल्यूशन था वो भी काफ़ी कम हुआ है, लेकिन चैलेंजेस क्या हैं देखिए, ये कह रहे हैं मार्केट काफ़ी, देखिए क्या होता है रिफिलिंग का इशू आता है, क्योंकि शुरू में जो है सिलेंडर फ्री मिला है, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे जब आपका रिफिल के लिए जाएंगे तो पैसा रिटर्न नहीं मिलता, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से कुछ नहीं होता जब तक आपका लोन जो स्टोव का और पहले रिफिल का लोन है वो पूरा ना हो जाए। इस वजह से काफ़ी इश्यूज आते हैं, इकोनॉमिक बर्डन भी बढ़ गया है लोगों के ऊपर, कनेक्टिविटी रूरल और ट्राइबल एरिया में कनेक्टिविटी नहीं है, तो उनको अगर गैस सिलेंडर दे भी देंगे तो वो भरवाने की फैसिलिटी उनके पास नहीं है। सेफ्टी ऑफ अवेयरनेस का आज भी और काफ़ी गांव में औरतों को नहीं पता है, तो काफ़ी बार इंसिडेंट भी हो जाते हैं, तो वो भी एक सिनेरियो है, ठीक है। लेकिन अब क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है? उज्ज्वला स्कीम का बेनिफिट हमने अचीवमेंट बता दिया यहाँ, ठीक है, पहले की पॉलिसीज ये चीज़ नहीं कर पाई थी, ठीक है। इसके अलावा कंप्लीट पेनिटेशन, इसके बाद बता सकते हैं बिहेवियरल एटीट्यूडनल चेंज लाने की ज़रूरत है। ये कब आएगा? तो अवेयरनेस फैलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कि कैसे जो अगर आप लकड़ी यूज़ करते हैं गांव में, ये सब करते हैं, तो इससे धुएं के कारण कितनी प्रॉब्लम होती है घरों में, तो एटीट्यूडनल बिहेवियरल चेंज लाने की बहुत ज़रूरत है, वो अवेयरनेस से ही आएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज़ें करें ताकि और बिहेवियरल और एटीट्यूडनल चेंज आए? अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि छोटे सिलेंडर्स की वो होनी चाहिए अगर आप बड़े सिलेंडर नहीं भरवा सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, सस्ते, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, लिमिट में होना चाहिए, 10 किलोमीटर के आसपास में ऐसा रिफिलिंग का एरिया होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, गैस ग्रिड वगैरह जो यूपी में स्टार्ट किए गवर्नमेंट ने, इस तरह की अवेलेबिलिटी हो, प्रमोट गिव इट अप जो गवर्नमेंट ने शुरू किया था कि लोगों को जो है जो गिव अप करता है अपनी से जो है उसको जो है काफ़ी प्रेज किया था, तो इस तरह को और प्रमोट करना चाहिए। प्राइवेट प्लेयर्स को जो है जो एलपीजी की फ्रेंचाइजी रूरल एरिया में बढ़ सके उसको एनकरेज करना चाहिए, सेंसिटाइजेशन एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, एलपीजी पंचायत और एनजीओ वगैरह को साथ में लेके, ठीक है। तो ये पूरा आंसर है, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट से रिगार्डिंग है कि कैसे फंडामेंटल राइट्स को जो है इफेक्ट करता है सेक्रीफाइस, इससे क्या लिबर्टी, ये कह रहे हैं इस सेक्रीफाइसिंग लिबर्टी फॉर नेशनल सिक्योरिटी जस्टिफाई कर सकते हैं, डिस्कस करता है, आपके ओपिनियन देने हैं। सबसे पहले प्रोविजन बताया कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें पावर मिलेगी, किसी भी इंडिविजुअल को एक टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए पहले क्या था, जो डीजी होते थे पुलिस के, उनसे परमिशन लेनी होती थी कोई भी केस जब इन्वेस्टिगेट करते थे, लेकिन अब जो डीजी है एनआईए के, उनको ही पावर मिल गई कि वो सीज कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं किसी की प्रॉपर्टी। अब एक इंस्पेक्टर रैंक का भी जो है इन्वेस्टिगेट कर सकता है केस को, पहले ऐसा नहीं था। नो चेंज बिंग मेड इन द अरेस्ट ऑफ, अब देखिए अरेस्ट कर लिया गया तो बेल मिलेगी मिलेगी, ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं किया गया है, क्योंकि उनको लगता है टेररिस्ट है तो उसको बेल की क्या जरूरत है। अब देखिए पहले ये था कि जो बर्डन है प्रूफ का बर्डन होगा कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, ये किस पे डिपेंड, ये किस पे होता था, ये अक्यूज्ड पे ही होता था, आज भी वो है, उसके अंदर भी कुछ चेंजेस नहीं किए गए, तो ये कुछ प्रोविजन है। इम्पैक्ट कैसे होगा, क्वेश्चन यही था, इम्पैक्ट कैसे होगा फंडामेंटल राइट्स पे, वो इन्होंने देखिए मेरे से पहले जो ये आंसर किसी ने डिस्कस किया उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। ये कहते हैं किसी गवर्नमेंट किसी को भी जो है लगे कि टेररिस्ट है उसको बिलीफ पे ही जो है उसको अरेस्ट किया जा सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को भी दबाया जा सकता है, इससे माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा सकता है, किसी कल्चरल राइट्स को इफेक्ट कर या उसको दबाने के लिए भी किया जा सकता है, इंप्रिजनमेंट हो सकती है ट्रायल वगैरह किए ही बगैर, प्राइवेसी और लिबर्टी को भी जो इफेक्ट कर सकता है। एक देखिए किसी घर पे सर्च सीचर सॉरी सीजर सर्च, ये सब अरेस्ट भी हो सकता है, पर्सनल नॉलेज बेस्ड ऑन द पर्सनल नॉलेज ऑफ पुलिस ऑफ पुलिस ऑफिसर को लगे कि ऐसा है तो ऐसे भी कर सकता है, तो इससे हरासमेंट भी बढ़ सकती है।
क्वेश्चन क्या है, लिबर्टी वर्सेज नेशनल सिक्योरिटी। देखिए बहुत छोटी सी बात इन्होंने लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ऐसे अधिकार दिए हुए हैं कि हम जो अपनी लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लिबर्टी इज नथिंग नथिंग इट इज सेल्फ सेल्फ सॉरी रिस्ट्रेंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है हमारे ऊपर जो भी रूल वगैरह लगाती है उससे बचने के लिए लिबर्टी एक क्लोज ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे शेड्यूल में है ये चीज़, ठीक है। लिबर्टी के ऊपर क्वेश्चन भी आया इस बार प्रीलिम में डायरेक्ट, ठीक है। उसके अलावा क्या, दोज वो गिव अप द असेंशियल लिबर्टी टू परचेज द लिटिल टेम्परेरी सेफ्टी डिजर्व नाइदर लिबर्टी नोर सेफ। ये भी किसी ने बात कही है कि जो अब दोज वो वुड गिव अप असेंशियल लिबर्टी टू परचेज लिमिट लिटिल टेम्परेरी सेफ्टी डिजर्व नाइदर लिबर्टी नोर सेफ्टी, कि जो अपनी लिबर्टी को गवा देता है ना थोड़ी सी सेफ्टी के लिए, ना तो लिबर्टी डिजर्व करता है ना सेफ्टी डिजर्व करता है। लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए सेफ्टी प्रायर है हमारी, लिबर्टी ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिया हुआ है लिबर्टी प्रोवाइड की, लेकिन हमारी सेफ्टी के लिए कभी कभी हमें अगर कोई भी गवर्नमेंट है या फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है अगर वो हमसे पूछताछ भी करती है तो उसमें हमें जो है संकोच नहीं करना चाहिए, हमें जो है आगे बढ़ के उनकी मदद ही करनी चाहिए। नेक्स्ट है सिंगापुर कन्वेंशन से रिगार्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि देख इंडिया ने इंडियन इकोनॉमी का कैसे बेनिफिट होगा सिंगापुर कन्वेंशन से, हो सकता है प्रीलिम में डायरेक्ट आ जाए व्हाट इज सिंगापुर कन्वेंशन, तो मैं प्रीलिम भी बता के चलता हूँ आपको। याद रखिए मेंस तो तैयार कर रहे हैं हम, लेकिन प्रीलिम के कैसे बेनिफिट हो रहा है ये भी मैं बता सकता हूँ। ये कह रहे रिसेंटली अभी जो है कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट ये ज्वाइन करने के लिए, तो इंडिया जो है अभी साइन कर लिया, इंडिया ने पहले साइन नहीं किया हुआ था याद रखिए इस चीज़ को। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कौन कौन सी यूएन की जो है साइन नहीं किया, अभी मुझे लगता है यूएन की कोई बॉडीज हैं 4 या 5 बॉडीज में से कोई इंडिया ने साइन नहीं किया, अभी सबको साइन कर लिया है, यही एक बची हुई थी। अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसमें एक्चुअली मीडिएशन की बात कही हुई है। अब मीडिएशन के बेनिफिट कैसे होंगे हमारी इकोनॉमी को, देखिए चीपेस्ट तरीका होता है क्विकेस्ट तरीका होता है, ठीक है, कोई भी रेजोल्यूशन को जो है सोल्व करने में मल्टीपल डीलिंग विद वन। अब क्या इसमें डीलिंग करते हैं एक से ज्यादा लोगों के साथ तो उसमें क्या रिलेशन भी खराब नहीं होते, डिसएग्रीमेंट नहीं होता, चीजें सॉर्ट आउट भी हो जाती है, इससे जो है जो बिजनेस रिलेशनशिप है वो भी बना रहता है। लेकिन कुछ कमियां भी होती है, देखिए इसके ये है काफी ड्रॉबैक्स भी होते हैं पार्टी के। अभी देखिए इसमें क्या होगा, आपने मीडिएशन किया लेकिन फिर भी पार्टी कुछ जो है केस वगैरह डाल देती है, तो उस केस में आपका मीडिएशन का भी बेनिफिट नहीं हुआ और आपका केस भी जो है डल गया, इससे जो है अननेसेसरी कॉस्ट भी लगती है, डिले भी होता है प्रोसेस और कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह भी लूज हो सकती है। बेनिफिट क्या है इंडिया को, देखिए कोई भी अगर हमारे बिजनेस है हम दूसरे देश में करते हैं, दूसरे देश वाले हमारे देश में करते हैं, अगर मीडिएशन से चीजें सोल्व हो जाएगी तो सेटलमेंट जल्दी हो जाएगा और वो बाइंडिंग भी रहेगा। अब सिंगापुर कन्वेंशन से इंडिया को एक सेटलमेंट अगर मीडिएशन से होगा तो बाइंडिंग भी रहेगा, इससे जस्टिस सिस्टम बढ़ेगा, रूल ऑफ लॉ फायदा होगा, इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इंडिया के अंदर कि हाँ देखिए यहाँ अब इंडिया ने साइन कर लिया, अब कोई भी मीडिएशन से भी जो है चीजें सोल्व हो सकती है, ईज ऑफ डूइंग होगी। साथ में जो है ये कहते हैं अडेयरिंग, अब ये प्रिंसिपल्स को भी हम अडेयर करेंगे, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और एक्सटर्नल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है इनको भी हम अडेयर करेंगे इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को, तो इस ये भी जो है कहीं ना कहीं इंडिया को इस इंडिया से को बेनिफिट होगा, इससे बिजनेस बढ़ेगा, जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट बढ़ेगी तो इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, तो आज के लिए इतना ही, चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, सी यू।